अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल आलू की सब्ज़ी जो पूरी के साथ बनाई जाती है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ 500 ग्राम करीब लगभग आलू ले लिए हैं और इसे दो बिसल आने तक हमने इसे बॉईल कर लिया है। और इसको हमने बारीक भुरता नहीं बनाना है बल्कि हल्का हल्का हाथ से मैश कर देना है। अब ये मैश करने के बाद हमारा भुरता हो चुका है रेडी। अब हम क्या करेंगे, मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए हमने टमाटर, हरी मिर्च, पीली मिर्च, हल्दी और काला नमक और काली मिर्च का पाउडर और साथ में हमने लिया है चाट पाउडर। इसको हम बनाकर साइड से रख देंगे। अब हम तेल लेंगे सरसों का, उसमें हम हींग जीरा डालेंगे और हींग जीरा डालने के बाद ही हम यहाँ पर 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और 2 टीस्पून हम डाल देंगे मिर्च। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और इस मसाले को हमें लगातार भूनते चले जाना है 2 से 3 मिनट तक। जब ये मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून जाएगा तो हमने जो मसाला टमाटर और हरी मिर्च और मसालों को जो बनाकर रेडी रखा है उसको हम डाल देंगे। साथ में पीली मिर्च का हमें यूज़ ज़रूर करना है क्योंकि उसी से सब्ज़ी हमारी टेस्टी बनती है जो पूरी के साथ खाई जाती है। आप क्या करेंगे, इस मसाले को 2 से 3 मिनट तक हम बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसमें किसी भी स्मेल ना रहे। मसाला हम अच्छी तरीके से देख लेंगे कि इसमें किसी भी स्मेल ना आए। तब हम इसी स्टेज पर हम डाल देंगे जो हमारे बॉईल करे हुए हमारे आलू हैं और हम इसमें डाल देंगे कि मानिए इतनी टेस्टी बनती है कि जब आप इसे बनाकर पूरी के साथ खाएंगे तो आप तारीफ तो ज़रूर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमें इतना ही डालना है जो बिल्कुल हल्का सा गाढ़ा रहे, ना ये ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, बिल्कुल मीडियम रहे। थोड़ा सा हम इसे पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि जो हमारा कच्चापन पानी का है वो भी अच्छे से हो जाए। अब 10 मिनट बाद इसे हम खोल कर देख लेंगे तो हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी टेस्टी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप जब इसे बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। और इसे पूरी के साथ, चावल के साथ आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें एक बार। मैंने तो इसे पूरी के साथ, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसे पूरी के साथ सर्व किया है। तो आई होप आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें। खाने में यकीनन बहुत टेस्टी है और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।